रंग बली पर भरोसा है। मायावती को क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मुसलमानों को वोट के लिए बुलाने के लिए? कौन बांट रहा है धर्म को? देखिए, मुसलमानों को हौसला अफजाई देने की बात कही थी, जो पिछले 5 साल में डर के अपने घरों में घुस गया है। बहन जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके हौसला अफजाई की बात की थी, ये नहीं कहा था। और एक सच्ची बात यह है, मुसलमान डरा हुआ बैठता, अज्जू इसहाक साहब तो अभी आप यहाँ मंच पर होते, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको बता दूं, अज्जू इसहाक, आप एक अज्जू इसहाक से पूरी कौम को मत नापिए। दूसरी बात यह है, लियाकत यहाँ खड़े होकर सारस्वत जी से सवाल पूछ रही होती। मैडम मेरी बात को समझिए। ताहिर मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर यहाँ पर सारे गेस्ट को बुला रहे होते। मैडम मेरी बात को समझिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोगों की यहाँ, आप पढ़ी लिखी हैं, दानिश पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ शिक्षा की कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है, और ये जो समाज पिछड़ा है शिक्षा में, हौसला अफजाई से शिक्षा पर आ गया। मैं बिल्कुल आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ, जब सच्चाई बयां की तो शिक्षा पर आ गए। धर्म को बांटने का काम कौन कर रहा है? शिक्षा पर धर्म को बांटने का काम मुस्लिम कौम का जो बुरा हाल है वो सपा बसपा कांग्रेस वालों का है। ये जो शिक्षा का अभाव है, 5 साल अभी इनकी गवर्नमेंट रही है, शिक्षा में बेहतर काम क्यों नहीं किया सपा गवर्नमेंट ने? बताइए अज्जू साहब, जवाब देना। शिक्षा का जो कार्य है, जो खराब स्थिति है, वो कांग्रेस और सपा की गवर्नमेंट की वजह से ही रही। मुसलमानों का बुरा किसने किया, अच्छा किसने किया? आइए सर, टोपी वाले भाई साहब आइए, टोपी वाले भाई साहब आइए। आप घर में डर के क्यों नहीं बैठे हैं भाई? वो अज्जू जी जो बोल रहे हैं कि घर में डर के बैठना चाहिए। मोदी जी की सरकार है तो मुझे फिर डर किस बात का? क्योंकि सारी योजनाएं दी है मुझे, मेरे घर मेरे अज्जू साहब, एक सेकंड अज्जू साहब, आपका नाम क्या है? नवाब अली। पक्का नवाब अली नाम है ना? नारायण तो नाम नहीं है? नहीं, नवाब अली। ये टोपी सच्ची है? रियल है, दाढ़ी भी रियल है। बताइए अज्जू जी, मैं पढ़ा लिखा मुसलमान, आप कहाँ तक पढ़े? मैंने हाई स्कूल किया हुआ है। हाई स्कूल किया हुआ है, आप घर में क्यों नहीं बैठे? अज्जू साहब कह रहे हैं आपको डरना चाहिए। नहीं, मोदी जी ने आजादी दी है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, जहाँ तक हिंदुस्तान है हमें आजादी है। जवाब दीजिए। थैंक यू नवाब साहब, जाइए, जवाब दीजिए सर। मैडम अज्जू साहब, ये अगर किसी से अपील करना वोट का, ठीक है, इतनी खूबसूरती से उसे घुमाया जा सकता है, तो मैं रूबी के लियाकत जी आपको सलाम करता हूँ। आगे भी बोलिए सर, मुझे कहा है सलाम कहते, मैंने तो आपके एक, मैं आपको भी सलाम कहता हूँ। और यहाँ मौजूद आपने एक मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को मैंने जो मुद्दा उठाया वो सही उठाया। हिंदुस्तान के अंदर आज दलित और मुसलमान डरा बैठा है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। जितना 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 देखिए, मुस्लिम समाज इस सरकार में सुरक्षित है। 3 तलाक से कितनी बेटियों को, कितनी बहनों को आजादी मिली है, ये आप इनसे पूछिए ना। इनके परिवार में भी ऐसी बहन बेटियां होंगी। आज 3 तलाक से जो नरक का जिंदगी जी रही थी, वो आज सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? दूसरी चीज जो